बच्चों गुड मॉर्निंग। हिंदी क्षितिज भाग दो के अंतर्गत पाठ 12 यशपाल द्वारा लिखित लखनवी अंदाज, इसका सारांश आप देखेंगे। लेखक बताता है कि वह भीड़ से बचने के लिए दूसरे दर्जे की टिकट लेकर रेलगाड़ी के एक डिब्बे में सवार हुआ। डिब्बे में उन्होंने देखा कि एक लखनऊ के नवाबों जैसा भद्र व्यक्ति पहले से ही बैठा था और उसने अपने पास दो खीरे रखे हुए थे। उस भद्र पुरुष के चेहरे पर लेखक को चिंता और संकोच का भाव दिखाई देता है। नवाब साहब में सहयात्री मिलने की उत्सुकता न देख लेखक सामने की वर्थ पर बैठ गया। खाली समय में कल्पना करने का काम करते हैं, इसलिए नवाब साहब के संकोच और असुविधा के विषय में सोचने लगे। उन्होंने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने अकेले ही यात्रा करने के उद्देश्य से दूसरे दर्जे का टिकट खरीदा होगा और सफ़र काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, लेकिन लेखक को देखकर शायद वह संकोच में पड़ गया। नवाब साहब ने स्थिति को भांपते हुए लेखक से नमस्कार करके खीरे खाने के विषय में पूछा। नवाब के बदले हुए स्वभाव को देखकर लेखक ने समझ लिया कि वह उन्हें सामान्य लोगों की तरह समझ रहा है और उसे मना कर दिया। नवाब साहब ने खीरों को धोया और ऊपरी हिस्सा काट कर उनको रगड़ा, फिर चाकू से छील कर उन्हें फांकों में काट लिया। उन पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च डाली। खीरों के रसास्वादन की कल्पना से नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। नवाब साहब ने सोचा कि वैसे तो रईस बनने का ढोंग कर रहा है और लोगों से नजरें बचाकर खीरे खा रहा है। नवाब साहब ने फिर लेखक से खीरे खाने के विषय में पूछा। नमक मिर्च लगे ताजे खीरे देखकर लेखक के मुंह में पानी तो आ रहा था, किंतु स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए यह कहते हुए मान कर दिया कि इच्छा नहीं है और मेरा आमाशय भी कमजोर है। फिर नवाब साहब ने प्यासी आंखों से खीरे की फांकों को देखा और एक लंबी सांस लेकर खीरे की एक फांक को नमक तक ले जाकर सूंघा। स्वाद का आनंद लेकर और मुंह में आए पानी को पीकर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस तरह उन्होंने सभी फांकें सूंघ कर बाहर फेंक दी। खीरे की सारी फांकें सूंघ कर बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब ने तौलिए से हाथ मुंह पहुँचते हुए गर्व के साथ लेखक की ओर ऐसे देखा जैसे वह स्वयं को खानदानी रईस बता रहा हो। नवाब साहब लेट गए और लेखक ने यह सोचते हुए कि यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता, अपना सिर उसके सम्मान में झुका लिया। लेखक यह सोच रहा था कि क्या सुगंध और स्वाद की सूझ बढ़िया और अमूर्त तरीके से पेट को तृप्ति हो सकती है। तभी नवाब साहब ने भरे पेट जैसी जकार ली और लेखक से कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है किंतु आमाशय के लिए भारी होता है। लेखक की सोचने की शक्ति जागृत हो गई, उसे नवाब साहब एक नई तकनीक का लेखक प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा कि खीरे खाए बिना ही पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो फिर बिना विचार घटना पात्रों की एक नई तरह की कहानी भी लिखी जा सकती है। होमवर्क में लखनवी अंदाज का सारांश, दैट्स ऑल।